अभी का ट्रेड क्या था? देखो यहाँ पे कितना, 1 में 3 1 मतलब क्वांटिटी 8 क्वांटिटी था इसमें, तो ये क्या है? ओवरऑल इसमें 500 दे रहा था, फिर भी मतलब इधर भी 500 दे रहा, उधर भी 500, ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको प्रॉफिट बुक कर लिया, और एक उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने क्या किया यहाँ पे, और 10 लॉट मतलब ऐड किया यहाँ पे, अभी तक 8 लॉट था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स द पोजीशन, ज़्यादा प्रॉफिट तो हुआ नहीं क्योंकि मैंने काट करना पसंद किया बाइंग साइड का, क्योंकि ये प्रॉफिट का 900 इसमें बुक किया था अगले 2-3 दिन पहला, तो इसका इसीलिए 8 लॉट मैंने यहाँ पे मतलब ये जो एवरेज कर रहा था वो कर दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या क्या अलग अलग का मतलब, पहला 10 लॉट था उसका 500 नीचे गया था, मैं देखा नहीं तो ऑर्डर नहीं लगाया था, तो प्रॉफिट बुक नहीं है। अभी फिर नया फ्रेश ऑर्डर मैंने डाला है 10 लॉट, मतलब पहले 10 लॉट था, फिर 10 लॉट, 20 लॉट मैंने यहाँ पे एडिट किया, 20 लॉट, जस्ट 20 लॉट मैंने यहाँ पे एडिट किया। ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का क्या कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे। ये है हमारा चार्ट है, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको करके, पहले तो हम मेन चार्ट डेली टाइम फ्रेम का, यूएस डॉलर इंडेक्स का देखेंगे, और उसके बाद हम लोग इंडियन रुपी के, क्योंकि ये जितना भी ब्रेकआउट दिखा रहा है ऊपर जा रहा है, फिर भी अभी टाइमिंग कितना, 12 बज के, हाँ RBI जो भी पॉलिसी था तो उसका अभी हो गया, एक्सपायर हो गया, तो नया फ्रेश अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो इतना जाने नहीं देगा। ठीक है, इतना आसान नहीं है ऊपर जाने का, इतना गंदा मोमेंट करने का है, तो देखेंगे क्या होता है। ये हुआ और इसके साथ कुछ कमोडिटी का, यहाँ पे टोटल कमोडिटी है, अगर मैंने यहाँ पे छोटा सा देखेंगे यूएस इंडेक्स के बारे में देखेंगे तो कहने की जिन है, अगर MCX कमोडिटी का देखेंगे तो जो भी है अभी मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। अगर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का देखेंगे तो मेजर तो ये स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है, फिर मैंने अपना या कमोडिटी में आके यूएस डॉलर में डाल देता हूँ, और मैं क्या करेंगे इसका मेरा काम नहीं है, मेरा इतना कुछ देखता नहीं मैं यहाँ पे। ठीक, अभी क्या काम है मेरा, यहाँ से इसको हटाना है, बस देख लिया। अभी यहाँ पे एक बार लॉस एंड प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये लॉस प्रॉफिट तो बात का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 50-60 का नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं है, बस 20 लॉट में यहाँ पे बाई किया। इसके साथ फंड एंड मैनेजमेंट करेंगे, तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मेन तो वहाँ ही देखना पड़ेगा, ये चार्ट उतना खास नहीं है, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे। तो क्या होता है, अगर हमने एक चीज़ दिखाएंगे आप लोग को, डरना नहीं, डरने का क्या है, ये USD आइनर है। अगर आप लोग सपोज यहाँ पे इस तरह का कैंडल में मैं प्रॉफिट बुक किया, अगर इस तरह का प्रॉफिट में आ गया तो अचानक से मुझे लॉस दिखाने देगा, राइट, मगर ऐसा स्पाइक मारेगा ना, वो जाने के भी उतना ही जल्दी वो चले जाता है। ठीक है, वो क्या है? तो यहाँ पे हर चीज़ का सेफ्टी रहता है। देखो मैंने बाय किया है कहाँ पे, अभी बाई किया था उसमें सेल कर दिया, क्योंकि मुझे ना बाइंग में ऐसा नहीं देख रहा था, तो मैंने यहाँ से सेल किया। अभी फिलहाल सेल है, अभी ज़रा सा नीचे आएगा तो मेरा यहाँ पे इंट्री होना, फिर मैंने क्या कर, नीचे से प्रॉफिट बुक करेंगे और कुछ बाइंग भी पोजीशन एडिट करेंगे। तो हमारा ये स्ट्रक्चर ऐसा है, अगर हम इस तरह से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसको ही हम लोग देखना पड़ेगा, तो हम ना उसको देख लिया तो कोई बात नहीं। अभी इसके साथ ही आता हूँ जो भी पोजीशन चल रहा है, तो यहाँ पे देखो ज़्यादा नहीं, यहाँ से हमने क्या किया, शॉर्ट किया। अभी यहाँ से एक बार स्पाइक मारा, यहाँ पे उतना जल्दी हम खरीदा नहीं, तो यहाँ से खरीदा, अगर नीचे आए तो ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं पूछो पूछो, नहीं तो 10 दिन, नहीं तो 1 महीने होल्ड करेंगे। उसमें क्या जाता है, प्रॉफिट तो लेके ही रहेंगे, अगर यहाँ पे हमको लॉस दिखाएगा तो उसके लिए भी हमारा अलग अलग प्रोसेस है। तो मैंने अगर नीचे आ गया तो मैं क्या करेंगे, 10 लट को फिर से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पोजिशन जो है
अगर नीचे आएगा, सपोज इसको मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे 10 लड़ में एग्जिट कर देंगे और 10 लड़ जो है उसको रहने देंगे। फिर क्या करेंगे, अगर मैंने दिसंबर जनवरी कर लिया, यहाँ पे फेब्रुअरी का मैं, नहीं तो मार्च का, मैंने मार्च का फिर बाय कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर का बाय करने से क्या होता है, वाई मतलब यहाँ पे जो भी मैं ये बाय करेंगे, फिर इसको नीचे से अगर खरीदेंगे और एवरेज करेंगे, तो कहना कि ये प्रॉफिट तो प्रॉफिट लेके ही रहेंगे, ये समझ में आ रहा है। और देखते हो क्या होता है, फंड एंड समरी में जाएंगे तो फंड कितना लगा है तो पता नहीं, टोटल इसका अगर कहा जाएंगे यार, प्रॉफिट तो अभी इसका नहीं है, प्रॉफिट तो देखेगा कल एक दो दिन का, ये स्विंग ट्रेडिंग है, इंट्राडे वाला नहीं है, जो आज ही मुझे मिलना है मिला तो क्या है यहाँ पे देखेंगे। नीचे भी आ रहा है मगर प्रॉफिट तो क्यों नहीं दे रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो कि 5 मिनट के यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, क्योंकि फिलहाल तो दूसरा जगह यहाँ पे स्पाइक मारा ना जब यहाँ से लिया, तो अभी तक थोड़ा 100-200 दिखता था, मगर मेरा यह टारगेट है आज नहीं तो कल यह आना ही है किस तरह से भी, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, उस दिन एवरेस्ट प्राइस का लॉस किया था मेरे को, मैं ना सब दिखाएंगे आप रुको आप लोगों को, यहाँ पे कहाँ से इस तरह से इधर, अभी तो टोटल चलो कोई बात नहीं यार, देखेंगे क्या होता नहीं हो, यहाँ पे वीडियो काट देंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, क्योंकि ये नेट का थोड़ा सा इश्यू होता है यहाँ पे, उसके वजह अगर मैं इसीलिए टारगेट लगा के रखा है, जाए जाए नेट जाए, मगर इसका टारगेट तो मुझे आज नहीं तो कल, कल नहीं पूछूँ, लॉस तो लेने वाला हो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अलग अलग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।